खान, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और अभी मुझे पीने का पानी भर कर रखना है। इसमें जो पानी है वो मैं निकाल रही हूँ, थोड़ा सा ही पानी है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ताज़ा पानी भर कर रखना है। कि ये बोतल खाली है, जगह ये सारा बस मैं भर के रखूँगी और जिसमें थोड़ा सा पानी निकाल दूँगी। तो जब तक मेरे कपड़े धुले जा रहे हैं तो मैंने सोचा अपना थोड़ा सा जो खाने की तैयारी है वो कर लेती हूँ। मशीन में कपड़े धुलने का यही फायदा होता है, साथ के साथ हम दूसरा काम भी करते रहते हैं, एक जगह बंद कर नहीं बैठना होता। तो अभी तो टाइम लगेगा मेरे कपड़े धुलने में, एक दो राउंड के ही कपड़े हैं वैसे, क्योंकि सुबह में धुल गए थे वरना काफ़ी टाइम लगता। तो जब तक वो फिनिश होगा तो मैंने तब तक क्या कर लिया दिखाती हूँ मैं आपको। आज मुझे दोपहर के खाने में ये टेंडे की सब्जी बनानी है, तो मैंने इसके सारे बीज निकाल दिए हैं अच्छे से धुलकर इन्हें। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च और प्याज ले ली है जो कि मुझे पीसना है। इनमें मसाले वसाले डालकर मैं इनकी चटनी सी बना लूँगी, क्योंकि भरवा टिंडे बनाने हैं। वैसे तो मैं प्याज में टिंडे के जो बीज निकलते हैं अंदर से वो भी डालती हूँ, लेकिन आज इनमें सारे ही बीज एकदम पक्के थे, तो पक्के बीज मैं नहीं डालती, क्योंकि पक्के बीज जब हम खाते हैं फिर सब्जी को वो मुंह में चुभते हैं, तो वो मैंने सारे ही निकाल दिए। वो आज तो बस हरी मिर्च और प्याज और साथ में जो मसाले डाले जाएंगे वो उसकी चटनी बनेगी, और तो कुछ नहीं बना, बीज भी डाल देती हूँ उसकी भी अच्छे से बन जाती है चटनी और टेस्टी लगती है अच्छी। लेकिन आज सारे बीज पक्के निकले इसलिए मैंने सारे निकाल दिए, तो ये काम मेरा हो गया। अभी मैं प्याज और हरी मिर्च को अच्छे से धुल लूँगी और इन्हें भी काट लूँगी, और उसके बाद मैं इन्हें मिक्सी में पीस लूँगी। तब तक मेरे कपड़े धुले जाएंगे, तो उसके बाद मैं कपड़ों को निकाल कर डालूँगी और ये काम अपना जल्दी जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ।
बन रही है चाय, अभी अच्छे से पकी नहीं है ये। अभी मैं गैस कम कर देती हूँ तो ये अच्छे से पक जाएगी, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने जो टिंडों में मुझे चटनी बनानी थी वो मैंने बना ली है, हरी मिर्च भरने के लिए जो बनानी थी वो हरी मिर्च और प्याज की। तो आज इतनी ज़्यादा और बढ़िया वाली नहीं बनी है क्योंकि आज इनके बीज नहीं थे, बीज होते हैं तो ये और अच्छी टेस्टी बनती है। वैसे इतनी ही काफ़ी होगी, आप लोगों को लग भी रही होगी थोड़ी, वैसे मुझे भी इस जार में थोड़ी लग रही है, लेकिन ये इतनी काफ़ी होगी क्योंकि टिंडे इतने ज़्यादा नहीं है ये, इनमें एक एक बड़ी चम्मच ही आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी, छोटे छोटे ही हैं और छह ही हैं, थोड़े से ही हैं, तो इतनी ज़्यादा मैंने बनाई नहीं है। जितनी भी इनमें आ जाएगी उतनी काफ़ी बचेगी, तो ऊपर से जब छौंक लगाऊंगी तब डाल दूंगी मैं। और इस तरह बनाते हैं भरवा, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। तो अभी बस मेरी चाय बन जाएगी अच्छे से, पहले मुझे पीनी है चाय और उसके बाद बस मैं सब्जी ही छौंकूंगी और मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसी बनी है बनने के बाद, जब तक अच्छे से चाय को पका लेती हूँ। और मैंने इसमें बीज डालते हैं ना तो वो पानी एकदम से छोड़ देते हैं, लेकिन अब की बार बीज नहीं है तो अभी सूखी सूखी सी लग रही है ये चटनी, तो बस मैंने अभी पहले भर देती हूँ। और ये एक टिंडा तो रह ही गया है, मुझे कुछ खाना निकाल दो इसमें से, ये वाला बटर वाला खा ले, ये वाला वो दूध मैंने सुबह से दोबारा गर्म कर दिया, पी लेना उसको, भूख लग रही खाना रोटी जल्दी से। और मेरी सब्जी हो गई है बनकर तैयार, बढ़िया सी खुशबू आ रही है, कृष्णा को लग रही है भूख खुशबू को देखकर इसकी, तो मैं इसे खाना दूंगी परस कर। अभी मैंने इसका सुबह से बचा हुआ दूध रखा था एक गिलास और वो भी गर्म कर दिया, लेकिन खुशबू अच्छी वाली आ रही थी, तो खाना खाना है। देखो ये दिखाती से, ये मेरी सब्जी हो गई अच्छे से भरवा टिंडे की तैयार, थोड़ी सी हमें बहुत है इतनी सब्जी, तीन जने हैं ना और ये छह टिंडे हैं, तो इनमें से भी बच जाएगी। और मैंने आटा लगा कर रख लिया है, रोटियां कृष्णा के लिए बनाती हैं, बस इसके पापा के लिए तभी बनाऊंगी जब वो खाएंगे, तो खाने का काम भी हो गया है। और इधर जो बर्तन पड़े हुए हैं अभी मुझे ये साफ करना है, थोड़े से ही हैं ज़्यादा नहीं है, लेकिन पहले खाना खाना है कृष्णा को वो देना है, पर तू परस में खाना। तो चलिए हम वीडियो का इसका यहीं पर कर लेते हैं एंड, यही था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी चैनल पर न्यू आते हैं, अच्छी लगती है आपको वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।